हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देसी थाईलैंड ब्लॉग्स। और मैं हूँ निकिता। और इस बदमाश को तो आप सब जानते ही हैं, तो इसके इंट्रो की जरूरत नहीं है। और आज हम दोनों ने ना अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। आज हम दोनों ने ना डैडी का वेट नहीं किया, क्योंकि डैडी ऑफिस गए हैं, और यूजुअली ऑफिस गए हैं तो अब वो नॉर्मल टाइम पे ही आएंगे अपने 6-7 बजे। तो हमने सोचा कि हम 6-7 बजे तक का वेट नहीं करेंगे और हम दोनों अपना व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। और ये ना मैं मेरे बैठने के लिए लाई थी कि मैं इस पे बैठ के आप लोगों से बातें करूंगी, और जॉय के लिए लाई थी मैं चेयर, पर नहीं, जॉय बैठ गया इस पे और चेयर पे मम्मा आएगी नहीं, और चेयर पे तो मम्मा आएगी नहीं। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं घरों में, क्योंकि अब तो थोड़ा थोड़ा सब जगह खुलने लगा है ना। आई नो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सभी की है, अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। अब यहाँ पे थोड़ी देर आप इसकी मस्ती देख लीजिए, क्योंकि ये मुझे बात नहीं करती। क्या जॉय, क्या ये बम्पी जम्पी नहीं है? और अब यहाँ पे बिना मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है। तो हाँ माना कोई बाहर नहीं जाता, पर फिर भी ऑफिस वगैरह ओपन हो गए हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल हो रही है। मम्मा के बेटे। और आज हम दोनों को भी नहीं पता कि हम लोग आप लोगों को क्या दिखाएंगे, आप लोगों से क्या बातें करेंगे, पर हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है तो कुछ तो करेंगे ही, है ना जॉय? जॉय और मम्मा कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे जॉय? अपन दोनों जब मम्मा को डुशुम कर दे, नोज पे लग गई, देखा, इसको जरा सा टच भी कर दो ना तो उसके लग जाती है। अब देखना, नोज पे लग गई जॉय के, जॉय को उई हो गई, उई हो गई जॉय को। क्या हो गया जॉय को? उई हो गई जॉय को, उई हो गई जॉय को, उई हो गई जॉय को। देखा, सिर्फ टच करने पे इसको लग जाती है। और मेरे घर वाले कहते हैं ये तो कितना सीधा बच्चा है, ये तो करता ही क्या होगा। इन बच्चों को ना तब पता चलेगा जब इन्हें स्कूल जाना पड़ेगा, अभी तो क्या है, कुछ नहीं, मस्ती मजे। जब ये स्कूल जाएंगे ना तब इन्हें पता चलेगा लाइफ क्या होती है, तब इनकी लाइफ चालू होगी। पर अभी ये बच्चों का बेस्ट टाइम है यार, मजे मस्ती। ये आजा आजा जल्दी आजा, आ इधर डांस करे दोनों। और अब ना यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ने लग गई है, और अब तो इंडिया में भी बहुत गर्मी पड़ने लग गई, क्योंकि मम्मी से बात होती है तब वो बताती है कि अब बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे ना, बहुत चिपचिपी वाली गर्मी होती है यार, मतलब बहुत जल्दी से पसीना आ जाता है। और तो आप देख ही रहे हमारे मजे। और आज मैं अपने डिनर में बनाऊंगी मंगोड़ी की सब्जी। आप लोगों को पसंद है मंगोड़ी? मुझे भी थोड़ी थोड़ी पसंद है, अगर हो सका तो आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। और बताइए ना आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के बच्चे भी इतनी बदमाशी करते हैं क्यों? अरे ये बहुत समझदार हो गया यार। मैं ना अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। आजकल ना एक तो अपनी आदत ही पड़ गई है हाथ धोने की, बार बार अपन जाते हैं हाथ धोते हैं, ठीक है। तो हम इसके साथ भी वही करते थे, मतलब जितनी बार भी ये कुछ खाता था या जमीन पे हाथ लगाता है तो सैनिटाइज तो मैं करती हूँ, पर जैसे ही मुझे ध्यान पड़ता है या इधर वॉशरूम की तरफ जाता है तो मैं इसके हाथ धुला देती हूँ, वॉश करा देती हूँ साबुन से। तो अब ना इसकी आदत हो गई है, जरा सा कुछ भी खाएगा कुछ भी, सर नो जॉय नो, आजा, जरा सा ना कुछ भी खाएगा कुछ भी, हैंड वॉश करने चलो, हैंड वॉश करने चलो। हाँ तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि अब इसे ना हाथ धोना इतना पसंद आने लगा है, मतलब इसकी ना आदत पड़ गई, हर थोड़ी देर में हाथ धोने चलो। अभी ना मैं इसको हाथ हैंड वॉश कराने लेके जाऊंगी, और आप देखिएगा इसे इतना मजा आता है, इसे खुद ही सोप लेना है, खुद ही हैंड वॉश करना है। ये एक अच्छी आदत भी है, क्योंकि जब भी बड़ा हो जाएगा तो अब ना इसके एक दिमाग में बैठ गया है कि हम कुछ भी खाते हैं कुछ भी कर रहे हैं तो हमें हैंड वॉश करना है। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया जॉय को? कार का है जॉय की, इधर आ मम्मा को बता। तो चलिए जॉय को ना हैंड वॉश कराने लेके चलते हैं, और फिर मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ कि इसे जॉय हैंड वॉश करेगा। इसको इतना मजा आता है हैंड वॉश करने में, डिंचिक 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 डिंचिक।
चली चलते हैं और इसके हैंड वॉश कराते हैं, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, एक बार बच्चे के हैंड वॉश हो जाएंगे। तो देखा, मैंने इस बदमाश के हैंड वॉश करा दिए, इतना मजा आ रहा था हैंड वॉश कराने में। तो वैसे ना ये एक अच्छी आदत हो गई बच्चों की हैंड वॉश करने की, है ना। और सच में आप लोग सोच रहे होंगे ना हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करें यार, दिन में हम दोनों फालतू, हमारे पास कोई काम नहीं है। लंच अभी हम दोनों थोड़ा रुक कर करेंगे, क्योंकि हम दोनों को भूख नहीं है, और जॉय को तो बहुत ही जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, ये खाता ही नहीं है ऐसे। तो बस हम दोनों आप लोगों के साथ मजे कर रहे हैं। तो मेरा ये इवनिंग स्नैक रेडी है, आज मैंने बनाई है बेलपुड़ी, चलिए खिलाते हैं बेलपुड़ी। ये आप दोनों की बेलपुड़ी। थैंक यू जी, शुक्रिया। आ जाओ अपन तो खाएं। जब भेलपुड़ी खाएगा ये ले, मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं। उई तो मेरा डिनर रेडी है आज का। आज मैंने डिनर में बनाया है पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, टमाटर की चटनी, थोड़े से अनियन और चपाती। और सीरियसली खाना बहुत यम्मी बना है, चपाती ठंडी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले डिनर करते हैं, उसके बाद में आप लोगों से बात करूंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ डिनर करिए और फिर मिलते हैं। आज मैंने अपना डिनर तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, पर मैंने सोचा कि लास्ट का जो मैंगो शेक है वो तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है, क्योंकि पहले डिसाइड नहीं था कि हम लोग मैंगो शेक पियेंगे, पर बाद में डिसाइड हुआ कि मैंगो शेक बनना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो शेक तो आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं। चलिए यम यम मैंगो शेक बनाते हैं। वैसे ना यहाँ पे पूरे साल आम आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अभी सीजन है तो अभी आ रहे हैं, बस ये होता है कि अभी सीजन है तो अभी आम अच्छे आ रहे हैं। यार सुनो, ये जो दूसरा आम है ना, ये भी ऐसे हो रहा है कि कल तक नहीं यूज आएगा, तो इसको भी डाल दे क्या? हाँ सच्ची में ऐसी हालत हो रही है इसकी। मतलब ना ये ना तो चूसने वाले आम में है और ना खाने वाले आम में है, बताओ क्या करे इसका? आज नहीं करे उसके साथ कुछ। आई नो अपन तीन आम का नहीं पिएंगे, पर आप लोग देखिए शाम को ये कल तक जीवित रह पाएगा, मैं कह रही हूँ नहीं रह पाएगा। मैंगो शेक बन गया है। अब मैंगो शेक की रेसिपी तो मैं आपके साथ क्या शेयर करती, सब घर में सेम सेम ही मैंगो शेक बनता है। चलिए इसे डालते हैं। यम यम। तो ये रहा मेरा यम यम मैंगो शेक। तो चलिए मैंगो शेक एंजॉय करते हैं और फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो ये रहा मेरा मैंगो शेक, कुलदीप को मैंने दे दिया है, और अब ये है मेरा मैंगो शेक। तो चलिए मैंगो शेक एंजॉय करते हैं, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं, मतलब मस्ती करते हैं, क्योंकि यही काम है रात को। यार रात होते होते कैसी हालत हो जाती है ना, बालों का पता नहीं, शक्ल का पता नहीं, अभी तक मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। और ये देखो मैंगो की वजह से हुआ है ये, अब तो कम हो गई, वरना पहले तो ये इतनी बड़ी हो गई थी, और ये सब इस मैंगो की वजह से। जबकि मैं मैंगो खाती हूँ, सिर्फ शेक पीती हूँ, उसमें भी ऐसा हो गया यार। पर अब इसकी वजह से कोई मैंगो शेक थोड़ी छोड़ सकता है, क्योंकि फुंसी तो, हाँ फुंसी भी तो बोलते ना इसे, ये तो फिर भी चली जाएगी जब अपन मैंगो छोड़ देंगे। पर और
और मैंगो का सीजन भी एक दिन चला जाएगा फिर पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ पर ये इसी की वजह से हुई है, ये मुझे पक्का से पता है। और तो क्या यार, 10 बजे जैसे कि आप लोगों को पता है क्या क्या हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा बेड से ही करना है सोने के लिए। और जॉय एज यूजुअल सबको पता है 12-1 बजे तक सोएगा नहीं। तो चलिए मैं अपना मैंगो शेक फिनिश कर लेती हूँ, वरना फिर कुछ नहीं होगा, पर मैंगो शेक फिनिश कर लेते हैं फिर हम तीनों आप लोगों से मिलते हैं। ओके जो है तेरे टी शर्ट पे एकदम सही लिखा है, देखो क्या लिखा है इसकी टी शर्ट पे, मतलब नजर ही अभी गई है। जय चीचुआ को हाय कर दो प्लीज। हाय चीचुआ, जय हाय चीचुआ, जो चीचुआ का है, हाय कितना प्यार है जो है कुछ, जो हाय कर दे इसको, हाय चीचुआ, बस मेरी बस उनको प्यार दे यार, वो उसका प्यार है यार, बचपन का प्यार। जॉय हो उसको ओ गई बेटा, अब क्या होगा, किसने नौटंकी है ना दोनों के दोनों। तो यही था मेरा आज का दिन, मैंने आज ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर किया, जो थोड़ा 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 सा किया, इतना ही काम करती हूँ मैं। जो मैंने क्या किया आपके साथ शेयर है, क्या किया आज मैंने, क्या किया, देखो आज हम सुबह उठे थे, फिर चाय तुमने बनाई थी, हाँ मतलब सभी उठते हैं, चाय तुमने बनाई थी, मैंने चाय पी थी, उसके बाद फिर बस फिर तुम्हारे जाने का मैंने और जॉय ने जो 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 किया मैंने वो सब इन लोग को दिखा दिया। और क्या किया था मतलब, हाँ सब तुम्हें पता तो है जो हम करते हैं, बस वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने अपना डिनर बताया, आज मैंने डिनर में क्या बनाया था देखा, और मैंगो शेक। तो बस यही था आज का हमारा ब्लॉग, छुट्टू सा नन्ना सा कुटू पाशा। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो, आपको हमारी क्यूट सी फैमिली पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज गाइस, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये भी अपनी भाषा में बोल रहा है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो अब हम आप लोगों से बाय करते हैं और गुड नाइट, बाय करना है जॉय, फिर तू बोलेगा एक बार वो कर दे, बा देख इधर, बा कर दे, कर रहा है भाई।